वेरी गुड मॉर्निंग आनंद निकेतन शिलज कैंपस वेलकम्स यू टू टुडेज सेशन ऑन चूजिंग द राइट स्ट्रीम बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड. माई नेम इज मोहित मंगल. आई एम अ करियर काउंसलर. आई एम ऑथर ऑफ अ करियर गाइड 2020 विच इज बिन रिकमेंडेड बाई CBSE दिल्ली. और आज के इस सेशन के अंदर मैं तीन चीजों के ऊपर बात करूंगा. नंबर वन, आई विल टॉक टू यू अबाउट शेयरिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन. विच आर दी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विच आर अवेलेबल इन इंडिया आफ्टर 10th हमारे एजुकेशन सिस्टम में. उसके बाद रादर साथ साथ मैं आप लोगों को एक सेल्फ असेसमेंट टूल शेयर करूंगा जो हेल्प करेगा आपको 10th के बाद सही स्ट्रीम सिलेक्शन करने में. और उसके अंदर मैं आपको एप्टीट्यूड वर्ड का असेसमेंट बताऊंगा जो आप अपने खुद के लिए कर पाएंगे. और थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ मैं 325 से ज्यादा जो है प्रोफेशंस के बारे में बात करूंगा ताकि आपको एक स्नैपशॉट मिल जाए कि 12th के बाद आपके पास इंडिया में ब्रॉडली स्पीकिंग क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो और वक्त ना लेते हुए क्विकली लेट्स गेट ऑन स्ट्रेट टू द सेशन. ये सेशन जो बच्चे 8th, 9th या 10th क्लास में हैं और उनके पेरेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है. तो एक बार फिर से, अगर आपके पेरेंट्स घर पे हैं और वो आपके साथ 15-20 मिनट का भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो आई एम श्योर ये सेशन उनको काफी बेनिफिशियल लगेगा. सबसे पहले बात करते हैं कि 10th में जब बच्चे आ जाते हैं तो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आती हैं. जो बच्चे जैसे ही आप 10th में आते हैं तो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं हमेशा बोलता हूं कि चिल्ड्रन टर्न एंड बिकम एडल्ट्स. आप लोग एडल्ट हो जाते हैं लेकिन आपके आसपास कोई इसको बिलीव नहीं करता बिकॉज आप अपने पेरेंट्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए बच्चे थे, बच्चे हो और बच्चे ही रहने वाले हो. जबकि ये चेंज 10th में बहुत सडन सब बच्चों के अंदर आ जाता है. दूसरा, यू स्टार्ट गेटिंग टू हियर नो फॉर एवरीथिंग. 10th में जैसे ही आप जाते हैं कुछ भी आप करने की कोशिश करें, आप अपने पेरेंट्स के पास जाएं, आप अपने रिलेटिव्स के पास जाना चाहते हैं, आप बाहर डिनर के लिए जाना चाहते हैं, फुटबॉल खेलने जाना चाहते हैं, किसी भी चीज के लिए आप पेरेंट्स के पास जाते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं नो, 10th बोर्ड का प्रेशर, बहुत सारी पढ़ाई करने की जरूरत है आपको, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड थर्ड, आई कॉल ऑल द चिल्ड्रन हु कम इन ग्रेड 10 एज यंग एडल्ट्स. आप लोग यंग एडल्ट हो जाते हैं और आपको फ्री का ज्ञान बहुत जगह से मिलना चालू हो जाता है, जिसको मैं बोलता हूं फ्री कंसल्टेशन. हम लोग एक रिसर्च कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ IIM अहमदाबाद में, ये ढूंढने के लिए कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग एडल्ट्स हैं, उनको फुल एडल्ट्स जो मेरे जैसे लोग हैं वो इतना सारा ज्ञान क्यों बांटते हैं. सो हमको तीन कैटेगरीज के लोग मिले जो सबसे ज्यादा ज्ञान देते हैं स्कूल के बच्चों को. पहली कैटेगरी है फ्रेंड्स पेरेंट्स. जो बच्चों के फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा आपको पकड़ लेते हैं. किसी के भी घर जाओ, उसके मम्मी पापा बोलेंगे मैं बेटा आपको बताता हूं करियर में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए. सो दैट इज फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल जो आपको ज्ञान बहुत सारा देते हैं. दूसरी कैटेगरी के लोग हैं आपके पेरेंट्स के फ्रेंड्स. घर पे आते जाते हैं या आप किसी के घर पे जाते हो तो वो पकड़ लेते हैं, बेटा 10th में आ गए हो, अभी आगे क्या करने वाले हो, मैं बताता हूं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, एंड सो ऑन. और तीसरी कैटेगरी जो है वो सबसे वल्नरेबल कैटेगरी है और उसको हम कहते हैं रिलेटिव्स. वो भी बहुत सारा ज्ञान बांटते हैं. गलती से मामा मासी, ताया ताई, चाचा चाची किसी के घर चले जाओ तो बोलते हैं बेटा मैं बताता हूं तेरे को क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. तो हम लोग ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि ये लोग इतना ज्ञान क्यों बांटते हैं. तो इसका आंसर हमको बड़ा फनी मिला, बड़ा अम्यूजिंग आंसर मिला. और इसका आंसर ये था कि ये लोग इतना ज्ञान इसलिए बांटते हैं बिकॉज इनके खुद के बच्चे इनकी बात नहीं सुनते. हैविंग जस्ट पुट इट अक्रॉस एज अ फन, यू गेट अ लॉट ऑफ कंसल्टेशन. तो मैं हमेशा बच्चों को और पेरेंट्स को कहता हूं डोंट लिसन टू एवरीवन, लिसन टू ओनली दोज हु हैव अ जेन्युइन कंसर्न फॉर यू. और वो जेन्युइन कंसर्न के लोग कौन से हैं? वो जेन्युइन कंसर्न के लोग वो हैं जो आपको काफी समय से जानते हैं, आपको डेली रूटीन लेवल पे ऑब्जर्व करते हैं और आपकी एक्टिविटीज को वो कीनली आइडेंटिफाई करते हैं.
और वो दो कैटेगरीज लोगों की हैं, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स। ये वो लोग हैं जिनको आपके करियर में, आपके फ्यूचर में किसी तरह का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि आप लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल हों, आगे बढ़ें, जो भी कुछ करें अच्छा करें, अपने आप के लिए करें। सो लिसन टू द पीपल हु कैन और हु हैव एक्चुअली जेन्युइनली ऑब्जर्व्ड यू फॉर अ व्हाइल। करियर असेसमेंट की जब हम बात करते हैं, करियर असेसमेंट में चार पैरामीटर्स के ऊपर बच्चों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, बच्चों को सेग्रीगेट करके गेज करते हैं। वो चार पैरामीटर्स हैं बच्चे का ओरिएंटेशन, बच्चे का एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट। ये पूरे का पूरा असेसमेंट टूल इज अ लॉन्ग टूल ऑब्वियसली, लेकिन आज मैं आपको इस सेशन में एप्टीट्यूड के बारे में बताऊंगा। और मेरा मानना है कि अगर आप अगले 3 से 4 मिनट मेरी बात ध्यान से सुने तो आप अपना खुद का एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई करने में कंफर्टेबल फील करोगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एप्टीट्यूड होता क्या है। आई एम श्योर आप सब बचपन में छोटे थे, सभी होते हैं। आपने बचपन में आपने जो चीजें की हैं, आपने जो टास्क किए हैं, शायद आपको याद होंगे। अगर याद नहीं है तो आपके घर में छोटे ब्रदर सिस्टर होंगे कोई, उनको आपने बड़े होते हुए देखा होगा, या सोसाइटी के अंदर कुछ बच्चे छोटे हैं जिनको आप बड़े होते हुए देख रहे होंगे। आपको 2-3 कैटेगरीज के बच्चे बहुत स्पेसिफिकली देखने को मिलते हैं। पहली कैटेगरी बच्चे की है जिसको पापा मार्केट से छुक छुक चलने वाली ट्रेन ला के देते हैं। वो बच्चा ट्रैक सेट करता है, ट्रेन रखता है, ट्रेन को ऑन करता है, ट्रेन चक्कर मारती है, घूमती है, छुक छुक करती है, लेकिन उसको ट्रेन चलाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उसको इस चीज में इंटरेस्ट है कि पापा रूम से बाहर कब जाएंगे ताकि वो ट्रेन को खोल के अंदर देख सके ये चलती कैसे है। और थोड़ी देर बाद पापा कमरे में वापस आते हैं तो वो एक मोटर के साथ एक बैटरी लटका के, बैटरी के साथ मोटर लटका के पापा को बोलता है, पापा देखिए ट्रेन ऐसे चलती थी, ट्रेन का हैप्पी बर्थडे कर दिया। और एक दूसरी कैटेगरी का बच्चा है जिसको ट्रेन, प्लेन, कार, हेलीकॉप्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं और मेरा मिकी माउस। वो बच्चा एक रफ पेपर लेगा, उसके ऊपर एक कार्टून ड्रॉ करेगा, उसको स्केच करेगा, पेंट करेगा, क्रेयॉन से कलर करेगा। शाम को जब पापा ऑफिस से घर वापस आएंगे तो पापा को जाके दिखाएगा, पापा वो बोलेगा, पापा सी दिस इज यू। और एक तीसरी कैटेगरी बच्चे की है जिसको इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। वो बच्चा जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, फॉर एवरीथिंग ही हैज अ क्वेश्चन और शी हैज अ क्वेश्चन। आप उसको बोलो कि जिस चीज के ऊपर बैठते हैं उसको चेयर बोलते हैं, बोलेगा क्यों? बोले छत पे जो लगा है और घूमता है उसको पंखा कहते हैं, फैन कहते हैं, बोलेगा क्यों? जिस पे आप बैठ के काम करते हो सामने कंप्यूटर रख के उसको टेबल कहते हैं, बोलेगा क्यों? एक दिन पापा ऑफिस से घर वापस आके बोलते हैं, बेटा मैं तेरा पापा हूं, बोलेगा क्यों? सो दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस। वो पूरा दिन मम्मी पापा को परेश रावल की तरह परेशान करते हैं। अब इन तीनों बच्चों में डिफरेंस क्या है? कोई पहले बच्चे को सिखाता नहीं है कि आप घर पे ट्रेन तोड़ देना, या दूसरे बच्चे को सिखाता है नहीं है कि कार्टून बना के पापा को दिखाना, और तीसरे को बोलता है कि आप मम्मी पापा को क्वेश्चंस पूछ पूछ के परेशान कर देना। दिस इज व्हाट इज एप्टीट्यूड। हम कहते हैं एप्टीट्यूड इज नेचुरल बेंट ऑफ माइंड। कौन सी ऐसी एबिलिटी या कौन सा ऐसा स्किल है जो आपको नेचुरली आसानी से कंफर्टेबली करने में मजा आता है? और जैसे आप बड़े होते हैं, आप 8th, 9th, 10th grade में आते हैं, ये एप्टीट्यूड्स जो हैं वो सब्जेक्ट एरियाज में बदल जाते हैं। दैट मींस ये एप्टीट्यूड्स जो हैं वो मैथ्स, साइंस, सोशल साइंसेस, लैंग्वेजेस, प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स, इनमें चेंज हो जाते हैं। कुछ बच्चे आपने क्लास में देखे होंगे जिनके मैथ्स में हमेशा 100 on 100 मार्क्स आते हैं, और कुछ और बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, एनर्जी भी डालते हैं, प्रैक्टिस भी बहुत करते हैं, फिर भी 100 on 100 मार्क्स आने में उनको दिक्कत होती है। और एक दूसरा सेट ऑफ चिल्ड्रन है जिनके हिस्ट्री में हमेशा सबसे हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। हाँ, इतनी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आपके हिस्ट्री में मार्क्स नहीं आ पाते। फर्क क्या है? चलिए कुछ और बेसिक्स अंडरस्टैंड करते हैं। आप वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री में किसी भी बोर्ड में पढ़ें, प्राइमरीली 10th तक बच्चे 5 कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स पे एक्सपोज होते हैं। उसमें पहली कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स।
दूसरी कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं साइंसेस, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तीसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं सोशल साइंसेस, इसके अंदर बच्चे जो हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। चौथी कैटेगरी में आते हैं लैंग्वेजेस, जिसके अंदर बच्चे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, गुजराती और कोई रीजनल लैंग्वेज, इस तरह की सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। और पांचवी कैटेगरी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, कारपेंट्री, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिनको हम प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स कहते हैं। यही पांच कैटेगरीज हैं जिन सब्जेक्ट्स के साथ आप 10th तक स्कूल में किसी भी बोर्ड में एक्सपोजर लेते हैं। अब इन कैटेगरीज का एप्टीट्यूड के साथ कनेक्शन कहाँ है? अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है, आप कंफर्टेबली उसको कंज्यूम कर पाते हैं, दैट मीन्स आपका न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल एप्टीट्यूड हाई हो सकता है, उसका ओरिएंटेशन आपका अच्छा है, इन एरियाज में आप ज्यादा कंफर्टेबल आगे भी रहोगे, ऐसा इंडिकेशन मिलता है। अगर आप साइंसेज में अच्छे हैं तो हो सकता है मल्टीपल एरियाज ऑफ साइंसेज के अंदर आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग हो, जिसके अंदर लाइफ साइंसेज है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड, साइंटिफिक एप्टीट्यूड, अर्थ साइंसेज एप्टीट्यूड, फिजिकल साइंसेज एप्टीट्यूड और रीजनिंग एप्टीट्यूड आपका स्ट्रांग होगा। अगर आप सोशल साइंसेज को बहुत अच्छे से कंज्यूम कर पाते हैं तो आपका लीगल एप्टीट्यूड अच्छा हो सकता है, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड अच्छा हो सकता है, सोसाइटल एप्टीट्यूड, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिकल, ऑब्जर्वेशनल एप्टीट्यूड। अगर आप लैंग्वेजेस में अच्छे हैं तो आपका लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन एप्टीट्यूड, क्रिटिकल थिंकिंग एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड या एक्सपीरियंशियल एप्टीट्यूड अच्छा होगा। और अगर आप प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड एरिया में अच्छे हैं तो इसके जो मल्टीपल डोमेन्स हैं उसमें आप अच्छे हो सकते हैं। यू कुड बी गुड एट आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, कल्नरी एप्टीट्यूड, स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड, डिजिटल एप्टीट्यूड, परफॉर्मिंग एप्टीट्यूड, पीपल एप्टीट्यूड एंड सो ऑन। अगर आपने पिछले 5 मिनट में मेरी बात ध्यान से सुनी है तो आई एम श्योर आप अपने खुद का कंफर्ट जोन आइडेंटिफाई कर पाए होंगे। तो 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए क्या मुझे मार्क्स के बेसिस पे स्ट्रीम सिलेक्शन करनी चाहिए? तो इसके लिए मैं बच्चों को और पेरेंट्स को बोलता हूं कि मार्क्स का स्ट्रीम सिलेक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है, ऑल्सो मार्क्स का इंटेलिजेंस के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है, और इंटेलिजेंस का भी स्ट्रीम सिलेक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। हो सकता है उस दिन जिस दिन आप एग्जाम देने गए हो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जो चैप्टर आपने एक नहीं पढ़ा, ज्यादा क्वेश्चंस उस चैप्टर में से आ गए, तो आपके मार्क्स नीचे जा सकते हैं। तो मार्क्स शुड नॉट बी द क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रीम सिलेक्शन। तो क्या मेरे को जो मेरे दोस्त कर रहे हैं, दोस्त करना चाह रहे हैं, उसके बेसिस पे 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन करना चाहिए? आंसर इज नो। जो मैंने आपको 5 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन किए, हो सकता है आपका दोस्त और आपका एप्टीट्यूड उसमें से 2 अलग कैटेगरीज में हाई हो, जरूरी नहीं है, बिकॉज ईच कैंडिडेट इज यूनिक, हर बच्चा यूनिक होता है। किसी का मैथ्स ज्यादा स्ट्रांग होगा तो किसी का साइंस ज्यादा स्ट्रांग होगा, किसी का साइंस ज्यादा स्ट्रांग होगा तो किसी का सोशल साइंस ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो आपको आपके अंदर स्ट्रेंथ कौन सी है उसके बेसिस के ऊपर सिलेक्शन के बारे में जाना चाहिए। ऑप्शंस और भी हैं, काफी सारे बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं कि सर माय पेरेंट्स आर डॉक्टर्स सो आई वांट टू बी अ डॉक्टर, माय पेरेंट्स आर लॉयर्स सो आई वांट टू बी अ लॉयर। जरूरी नहीं है, आई ऑलवेज से जेनेटिक्स का एप्टीट्यूड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हो सकता है आपके अंदर ऐसा एप्टीट्यूड हो कि जिस एरिया में आपके पेरेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं उसी एरिया में आप स्ट्रांग हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। सो पेरेंटल इन्फ्लुएंस शुड नॉट बी दी क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रीम सिलेक्शन। तो क्या मुझे यह सोचना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, आने वाले टाइम में कौन से करियर सबसे अच्छे होंगे, उन करियर को पकड़ के अपने आप को उसमें फिट करने की कोशिश करूं? आंसर इज नो।
कभी भी करियर या प्रोफेशन को पकड़ के अपने आप को उसमें फिट नहीं किया जा सकता। आपको अपने ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा करियर सबसे सूटेबल होगा वो ढूंढ के अगर आप अपने आप को उसमें फिट करोगे तो आपके सक्सेस के चांसेस मैक्सिमम होंगे। सो फाइनली द क्राइटेरिया फॉर स्ट्रीम सिलेक्शन शुड बी योर सब्जेक्ट कंफर्ट एट 10th लेवल। 10th लेवल पे कौन से एक या मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आप अच्छे हैं, आपका एप्टीट्यूड हाई है, उसके बेसिस पे स्ट्रीम सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे कि हम सबको पता है 10th के बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम में करंटली 4 स्ट्रीम्स या प्राइमरीली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। दैट कुड बी साइंस ए ग्रुप जिसके अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, साइंस बी ग्रुप जिसके अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं, कमर्शियल स्टडीज जिसमें आप अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज जिसके अंदर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, फिलोसफी, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। सो 10th के बाद हर एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर किस बच्चे को जाना चाहिए, किस सब्जेक्ट कंफर्ट के कॉम्बिनेशन के बच्चे को जाना चाहिए, मैं आपसे वो शेयर करूंगा। और उसके बाद उस पर्टिकुलर प्योर स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से प्रोफेशंस में आप जा सकते हैं वो आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं साइंस ए ग्रुप की। अगर 10th लेवल पे आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है और साइंस बहुत स्ट्रांग है, और साइंस में स्पेसिफिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आप बहुत अच्छे हैं, नेचुरली आपको ये सब्जेक्ट कंफर्टेबली समझ आते हैं, तो आप साइंस ए ग्रुप के सही बच्चे हो सकते हैं। और जब मैं बोलता हूं बहुत अच्छे तो मेरा मतलब है कि आपका लेवल जो है, मार्क्स नहीं, लेवल जो है वो 90-95% प्लस होना चाहिए। अगर ये आपके अंदर है तो साइंस ए ग्रुप लीजिए। साइंस ए ग्रुप के बाद किस तरह के प्रोफेशंस आप कर सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं इन मल्टीपल डोमेन्स विच में इंक्लूड एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, ऑटोमोबाइल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोमेडिकल, सिरेमिक, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग साइंस, एनवायरमेंटल, फायर टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, लेदर टेक्नोलॉजी, मैनुफैक्चरिंग साइंस, मरीन, मटीरियल साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, मेटलर्जिकल, मिनरल, माइनिंग, माइनिंग मशीनरी, नेवल आर्किटेक्चर, ओशन, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, पॉलीमर प्रोडक्शन, रोबोटिक्स और टेक्सटाइल इंजीनियर। ये 50 से ज्यादा स्पेशलाइजेशंस या ब्रांचेस अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग में जिसके अंदर आप 12th के बाद जा सकते हैं। उसके अलावा आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं जिसके बाद आप आर्कियोलॉजी में जा सकते हैं, और यू कैन बिकम एक्चुअली एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चरल इंजीनियर, सर्वेयर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, कंजर्वेशन ऑफिसर, इंटीरियर डिजाइनर, लैंडस्केप आर्टिस्ट, रिस्टोरेशन आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, स्पेशल डिजाइनर, टाउन प्लानर और अर्बन प्लानर। ये सारे प्रोफेशंस आर्किटेक्चर और प्लानिंग के अम्ब्रेला के अंदर फॉल करते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोफेशंस जिसमें आप 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन के बाद जा सकते हैं, दैट इंक्लूड बिकमिंग अ पायलट, आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर और अ फैशन टेक्नोलॉजिस्ट, जिसमें BFTech, बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर 10th लेवल पे आपके सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं और सिर्फ साइंस में तीनों साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और तीनों का लेवल 90-95% प्लस है, तो आप साइंस बी ग्रुप के लिए एक अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं। साइंस बी ग्रुप में जाने के बाद क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? आप मेडिकल साइंसेज में जा सकते हैं जिसमें आप एलोपैथिक डॉक्टर, डेंटिस्ट बन सकते हैं, सबको पता है। उसके अलावा आप आयुर्वेदा डॉक्टर, होम्योपैथ डॉक्टर, सिद्ध डॉक्टर, नेचुरोपैथिक डॉक्टर या यूनानी डॉक्टर भी बन सकते हैं। पैरामेडिकल साइंसेज के अंदर आप जाके टेक्नीशियन बन सकते हैं इन द एरिया ऑफ एडवांस केयर, एनेस्थीजिया, कार्डियोवैस्कुलर, क्रिटिकल केयर, ऑपरेशन थिएटर। उसके अलावा आप फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रॉमा थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फार्मेसिस्ट बन सकते हैं, या आप टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं इन द एरिया ऑफ डायलिसिस,
इमेजिंग, लेबोरेटरी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑप्थल्मिक, ऑप्टोमेट्रिक, परफ्यूजन एंड सो ऑन। रिहैबिलिटेशन साइंसेस का भी ऑप्शन साइंस बी ग्रुप के बच्चों के लिए ओपन है, जिसमें आप चाइल्ड वेलफेयर स्पेशलिस्ट, क्लिनिकल सोशल वर्कर, क्लिनिकल काउंसलर, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, ऑर्थोटिस्ट, प्रोस्थेटिस्ट, ऑटोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट इन द एरिया ऑफ ऑडियोलॉजी, ऑडिटरी, डेवलपमेंटल रिहैबिलिटेशन, स्पीच एटसेट्रा। वेटरनरी और फिशरी साइंसेस का भी एरिया साइंस बी ग्रुप के बच्चों के लिए ओपन है, जिसमें यू कैन बी पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एनिमल बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एनिमल जेनेटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, इकोकल्चरिस्ट, डेयरी साइंटिस्ट, फिशरी साइंटिस्ट, मेरी कल्चरिस्ट, पिस्सी कल्चरिस्ट, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजिस्ट, पोल्ट्री साइंटिस्ट, वेटरनरी बायो साइंटिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और सर्जन। नाउ जितने भी साइंस ए ग्रुप के बच्चे हैं या बी ग्रुप के बच्चे हैं, इनमें से कोई भी बच्चा या तो प्योर साइंसेस या तो एग्रीकल्चरल साइंसेस के एरिया में जा सकता है। ये दोनों स्ट्रीम्स इनके लिए ओपन है। प्योर साइंसेस के अंदर वन कैन बिकम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, बायोफिजिसिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, केमिस्ट, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फिजिकल साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, सीजमोलॉजिस्ट, स्टैटिस्टिशियन और जूलॉजिस्ट। उसके अलावा एग्रीकल्चरल साइंसेज में आप एग्रीकल्चरिस्ट बन सकते हैं, सीरीकल्चरिस्ट, एक्वाकल्चरिस्ट, मैरीकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, फ्लोरीकल्चरिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, सॉइल साइंटिस्ट, वेजिटेबल साइंटिस्ट, फ्रूट साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, एग्रोनोमिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, प्लांट पैथोलॉजिस्ट और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कॉमर्स। इस सेशन के एंड पे आप सबसे मैं जो करियर गाइड 2020 है उसका लिंक शेयर करूंगा, आप वहां से वो बुक फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। उसमें ढेर सारी ब्रांचेस जिनकी मैं बात कर रहा हूं उसकी पूरी डिटेल दी हुई है, सो आई एम श्योर दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। ऑल्सो सेशन के एंड में आई विल टेक अनदर आई थिंक 10 टू 11 मिनट्स टू फिनिश दिस सेशन। उसके बाद आई विल गिव यू सफिशेंट टाइम टू आस्क योर क्वेश्चंस। जो भी आपका क्वेश्चन हो वो एक सिंगल क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आई विल स्टेप बाय स्टेप गो एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो मूविंग टू कॉमर्स, अगर 10th लेवल में आपका मैथमेटिक्स और सोशल साइंसेस, और सोशल साइंसेस में स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में आप बहुत स्ट्रांग हैं, तो आप कॉमर्स के सही कैंडिडेट हो सकते हैं। कॉमर्स करने के बाद किस तरह के प्रोफेशंस में आप जा सकते हैं, यू कैन बी एन एक्चुअरी, ऑडिटर, बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, फाइनेंस एनालिस्ट, फाइनेंस प्लानर, फाइनेंस कंट्रोलर, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, स्टॉक ब्रोकर, टैक्स ऑडिटर और टैक्स कंसल्टेंट। नेक्स्ट वी कम टू आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज। अगर 10th लेवल पे आप सोशल साइंसेज और लैंग्वेजेस इन दोनों के कॉम्बिनेशन में बहुत स्ट्रांग है, तो आपके लिए आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज सही ऑप्शन हो सकता है। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज करने के बाद यू कैन बिकम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, ज्योग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, क्यूरेटर, एडिटर, जर्नलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, रिस्टोरर, सोशल वर्कर और ट्रांसलेटर। नाउ सम चिल्ड्रन मे कम टू मी एंड से, सर आपने मैथ्स का और सोशल साइंसेज का कॉम्बिनेशन बता दिया, मैथ्स और साइंस का कॉम्बिनेशन बता दिया, सिर्फ साइंस के अंदर जो बच्चे स्ट्रांग है वो बता दिया, सोशल साइंसेज और लैंग्वेजेस के कॉम्बिनेशन के बच्चों के लिए डिटेल बता दिया। लेकिन अगर किसी बच्चे का पांचवा एरिया दैट इज प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स में कनेक्ट ज्यादा बेहतर है, तो क्या करना चाहिए? उन तरह के बच्चों के लिए दो ऑप्शंस हैं। या तो 10th के बाद आप डिप्लोमा में चले जाइए, जिसके अंदर आप डिप्लोमा कर सकते हैं इन द एरिया ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंसेस, पैरामेडिकल साइंसेस, रिहैबिलिटेशन, डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रैवल टूरिज्म, फॉरेन लैंग्वेज, हेल्थ केयर एंड योगा और वोकेशनल स्टडीज। दूसरा ऑप्शन है कि आप 11th 12th के अंदर सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रीम, जो स्ट्रीम आपको कनेक्ट में सबसे अप्रोप्रिएट लगती है, वो स्ट्रीम या वो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स पिकअप करिए, और फिर 12th के बाद
ऑल्टरनेट स्ट्रीम एरिया में शिफ्ट कर जाइए या जनरल स्ट्रीम एरिया में शिफ्ट कर जाइए। और जनरल स्ट्रीम एरिया में ढेर सारी ऑप्शंस विच इंक्लूड आर्म फोर्सेस, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस डिजाइन, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट, लॉ, लिबरल आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्पोर्ट्स और वोकेशनल स्टडीज अवेलेबल हैं, जिसके अंदर कोई भी बच्चा साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से जा सकता है। सो आई क्विकली टेक यू थ्रू द प्रोफेशंस इन ईच वन ऑफ दीज डोमेन्स। सो इफ यू लुक एट आर्म फोर्सेस, यू कैन ज्वाइन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। बिजनेस मैनेजमेंट में अगर आपको जाना है, सो यू कैन बिकम अ मार्केटिंग मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, ब्रांडिंग मैनेजर, प्रमोशंस मैनेजर, और यू कैन गेट इनटू द एरिया ऑफ फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, पब्लिक रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर ढेर सारी न्यू एज एरियाज या टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं, विच में इंक्लूड एप्लीकेशन डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑडियो एंड वीडियो, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल एंड सोशल मीडिया, एथिकल हैकिंग, ई गेमिंग और गेम डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन मार्केटिंग। कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे 11th 12th में या तो साइंस या तो मैथमेटिक्स स्पेसिफिकली इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये सुनने में आता है कि कंप्यूटर्स के एरिया में जाने के लिए ये जरूरी है। आंसर इज नो, नॉट रियली। कंप्यूटर एप्लीकेशन के किसी भी एरिया में, विच में इंक्लूड इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, किसी भी एरिया में जाने के लिए ना तो 11th 12th में साइंस रिक्वायर्ड है और ना ही मैथमेटिक्स का कोई कंपल्शन है। इवन ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस के किसी भी एरिया में जा सकते हैं। मूविंग टू डिजाइन, यू कैन बिकम एन एनिमेशन फिल्म डिजाइनर, अप्लाइड आर्ट्स डिजाइनर, सिरेमिक एंड ग्लास डिजाइनर, एग्जीबिशन डिजाइनर, फाइन आर्ट्स प्रोफेशनल, फिल्म एंड वीडियो डिजाइनर, फर्नीचर डिजाइनर, ग्राफिक प्रोडक्ट, इंटीरियर, टेक्सटाइल, विजुअल, ऑल दीज एरियाज आर प्रोफेशनली अवेलेबल फॉर डिजाइन स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में जाने के बाद यू कैन बिकम एन एक्चुअरी बैंकर और यू कैन बिकम एन एनालिस्ट इन द एरिया ऑफ बिजनेस, क्रेडिट, डेटा, फिनेंस, पोर्टफोलियो, पॉलिसी, मार्केट रिसर्च, रिस्क, इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन। होटल मैनेजमेंट करने के बाद यू कैन बिकम पार्ट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्शन, जिसको हम शेफ बनना बोलते हैं, या किचन ऑपरेशंस, फूड एंड बेवरेजेस सर्विस, जिसको हम रेस्टोरेंट मैनेजमेंट बोलते हैं, हाउसकीपिंग, रूम मैनेजमेंट, जिसको हम होटल मैनेजमेंट के परव्यू के अंदर ब्रॉडली देखते हैं। यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, बैंक्वेट मैनेजमेंट, फ्रंट डेस्क मैनेजमेंट और गेस्ट रिलेशंस। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट लॉ, यू कैन कम एन एडवोकेट, आर्बिट्रेटर, कंसिलिएटर, कॉर्पोरेट लीगल कंसल्टेंट, डिप्लोमैट, इन्वेस्टिगेटर, जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लॉयर, लीगल एडवाइजर, लिटिगेटर, मीडिएटर, प्रोफेसर, प्रोसिक्यूटर, सोशल एक्टिविस्ट और सॉलिसिटर। लिबरल स्टडीज, जो कि एक काफी न्यूअर कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप स्टार्टिंग में कोई भी एक डिग्री फिक्स नहीं करते, आप एक फाउंडेशन ईयर में जाते हैं, फाउंडेशन करने के बाद आप मेजर सब्जेक्ट चूज करते हैं और मेजर सब्जेक्ट चॉइस के बेसिस पे आपको डिग्री मिलती है। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट चॉइस ह्यूमैनिटीज ओरिएंटेड है तो आपको आर्ट्स का डिग्री, बीए का डिग्री मिलता है, अगर मैनेजमेंट रिलेटेड है तो बीबीए का, कॉमर्स रिलेटेड है तो बीकॉम का, और साइंस रिलेटेड है तो बीएससी का डिग्री मिलता है। लिबरल स्टडीज के अंदर डिपेंडिंग अपॉन योर मेजर्स आप देख सकते हैं ढेर सारे अलग अलग प्रोफेशंस हैं, विच में इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस कंसल्टेंसी, क्रिएटिव राइटिंग, इकोनॉमिक एनालिसिस, एनवायरमेंटल अफेयर्स, फिल्म एंड टेलीविजन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, जर्नलिज्म, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिशिंग, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, टीचिंग, टेक्निकल राइटिंग एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन, जिसको करने के बाद आप एंकरिंग में जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, यू कैन बिकम अ ब्लॉग राइटर, क्रिएटिव राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, स्क्रीन राइटर, कॉरेस्पॉन्डेंट, डायरेक्टर, एडिटर, फिल्म मेकर, फैशन कम्युनिकेटर, जर्नलिस्ट, मीडिया प्रोग्रामर, फोटो जर्नलिस्ट, पीआर स्पेशलिस्ट, रिपोर्टर और अ विजुअल मर्केंडाइजर। परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसके अंदर प्राइमरीली तीन कैटेगरीज आती हैं, सिंगिंग, डांसिंग एंड एक्टिंग, और सिंगिंग के अंदर सब डोमेन में आता है
इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, इसके अंदर भी आप 12th के बाद डिग्री कर सकते हैं, जिसके बाद आप एक्टर या एक्ट्रेस बन सकते हैं। उसके अलावा कोरियोग्राफर, कंपोजर, डांसर, डायरेक्टर, ड्रामेटिस्ट, म्यूजिशियन, स्क्रीन राइटर, सिंगर, टैलेंट मैनेजर, थिएटर आर्टिस्ट, ट्रेनर या वोकलिस्ट बन सकते हैं। स्पोर्ट्स के एरिया में आप जा सकते हैं, जिसके बाद आप अनाउंसर, एथलीट, कोच, कमेंटेटर, इक्विपमेंट मैनेजर, फिजिकल ट्रेनर, रेफरी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स मैनेजर या स्टेडियम मैनेजर बन सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वोकेशनल स्टडीज करने के बाद, डिपेंडिंग अपॉन कि आप वोकेशनल स्टडीज में किस तरह की स्पेशलाइजेशन पिकअप कर रहे हैं, आप एनिमेशन में जा सकते हैं, अप्लाइड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी एंड वेलनेस, डेटा एनालिटिक्स, फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, फूड साइंस, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, इंटीरियर डिजाइन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, रिटेल मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, टी हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी, थिएटर एंड एक्टिंग और वेब टेक्नोलॉजी। फाइनली, बिफोर आई मूव टू क्वेश्चन एंड आंसर्स, आई विल क्विकली इंट्रोड्यूस यू टू द ऑर्गेनाइजेशन विच आई एम रिप्रेजेंटिंग, दैट इज आई क्यू डिजिटल। आई क्यू डिजिटल पे हम नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो बच्चे 11th 12th के बाद देते हैं, रिलेटेड टू लॉ, होटल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, लिबरल आर्ट्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, सोशल साइंसेस एंड सो ऑन के अंदर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। अगर किसी बच्चे को उसमें हायर एजुकेशन लेना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो, तो यू कैन कनेक्ट विद माई ऑफिस। अगर आप कंफ्यूज हैं, नहीं समझ आ रहा अभी भी क्या करना है, एप्टीट्यूड आपने अंडरस्टैंड कर लिया लेकिन ओरिएंटेशन, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट आपको कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया, तो आप पर्सनल करियर काउंसलिंग के लिए मेरे ऑफिस से कनेक्ट कर सकते हैं। माई नंबर इज 7600888111। सोशल मीडिया पे यू कैन फॉलो मी @IQMohit और यू कैन विजिट माई वेबसाइट, दैट इज mohitmangal.com। नाउ